हेलो दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC ने यहाँ पर परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो एग्ज़ाम की सारी डेटें यहाँ पर दे दी गई हैं। कुछ एग्ज़ाम की डेट नहीं दी गई है, तो उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्यों नहीं दी गई और कब तक उनकी डेट आ जाएगी। जैसे उत्तराखंड पुलिस SI का एग्ज़ाम है और अन्य एग्ज़ाम है, उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले न्याय विभाग के अंतर्गत है उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2022। तो यहाँ पर याचिका पारित होने वाले निर्णय अधीन ये परीक्षा तिथि तब घोषित होगी जब ये जो है उच्च न्यायालय में ये मामला चल रहा है, जब वहां से क्लियर होगा। उसके बाद सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की जो है 28 अगस्त 2023 से ये जो है टंकण परीक्षा इसकी शुरू होने वाली है। वन आरक्षी परीक्षा 2022 की जो थी वो अक्टूबर 2023 में जो है शारीरिक अर्हता दक्षता परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। उसके बाद जेल बंदी रक्षक की बात करें तो 2023 को जो है मुख्य परीक्षा इसकी होगी। जेल बंदी रक्षक की संभागीय निरीक्षक परीक्षा जो है ये 16-17 अक्टूबर 2023 को इसकी मुख्य परीक्षा। मानचित्राकार या प्रारूपकार की परीक्षा देखेंगे आप 5 नवंबर 2023 को, ठीक है। और सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो पेपर आपने फॉर्म भरा था कुछ समय पहले ही, तो ये 19 नवंबर को इसकी परीक्षा होने की यहाँ पर संभावित तिथि है, ठीक है। उसके बाद अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व निरीक्षक 2023 परीक्षा का, तो यहाँ पर 26 नवंबर 2023 को इसकी परीक्षा मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। सफाई निरीक्षक परीक्षा के लिए आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो नगर पालिका के अंदर आपने देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर 3 दिसंबर 2023 को ये परीक्षा होने वाली है मुख्य परीक्षा। पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की परीक्षा जो है 10 दिसंबर 2023 को। सचिवालय लोक सेवा आयोग राजस्व परिषद समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसका 17 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री एग्जाम इसका होने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक जो परीक्षा होगी वो स्क्रीनिंग परीक्षा 20 दिसंबर को। कनिष्ठ अभियंता के जो विभिन्न पद हैं वो 23, 24, 26, 27 ये 4-5 दिन के अंदर मुख्य परीक्षा होगी इनमें, ठीक है, 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को। गन्ना पर्यवेक्षक, दोस्तों देखिए काफ़ी समय पहले फॉर्म भर दिया गया था, तो गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा जो है दुग्ध पर्यवेक्षक के 28 जनवरी 2024 को इसकी मुख्य परीक्षा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक के पद जो है ये 3 फरवरी 2024 को इसकी परीक्षा। सहायक कृषि अधिकारी उद्यान पर्यवेक्षक सहायक आदि के जो पद हैं कृषि उद्यान वगैरह पशुपालन वाले, तो ये 10 फरवरी को इसकी परीक्षा होगी, ठीक है, 24 में। और व्यवस्था अधिकारी परीक्षा 2023 को इसकी मुख्य परीक्षा, 2 मार्च 2024 को इसकी मुख्य परीक्षा होगी। व्यवस्थापक की अगर बात करेंगे जिसमें लोक सेवा आयोग और राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत थे, तो इसमें व्यवस्था अधिकारी वगैरह, तो ये जो है 16 मार्च 2024 को इसकी परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा। प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं दोस्तों, तो 31 मार्च को इसकी परीक्षा होने वाली, यानी कि आपके पास लगभग यहाँ पर को अभी कितना समय है, 7 से 8 महीने का समय अभी आपके पास है। अन्वेषक कम संगणक, ठीक है, इसमें 4 अप्रैल 2024 को ये मुख्य परीक्षा होगी इसकी। और प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग, अच्छा ये फॉर्म है तो ये अभी इस समय जो भरे जा रहे हैं, तो दोस्तों ये 23 से 26 अप्रैल 2024 को इसकी मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। तो वर्तमान में जो है 2023 में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है जिनमें स्टार लगा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर को, देखिए इसमें स्टार लगा है और इसमें स्टार लगा है, इसमें स्टार लगा है, इसमें स्टार लगा है, जिनमें स्टार लगा है अभी उनके जो है विज्ञापन प्रकाशित होने भी प्रस्तावित हैं, ठीक है, अभी विज्ञापन उनके आए नहीं है, फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, यहाँ पर साफ साफ दिया है। अब आपको एक चीज़ और बता दोस्तों, यहाँ पर 9 जो है नवीन अधियाचनों के परीक्षण की कार्यवाही गतिमान है, ठीक है, नए अधियाचनों की पर जो है इसका परीक्षण किया जा रहा है, ये कार्यवाही भी चल रही है, और जब भी जो भी होगा उसके बाद परीक्षणों उपरांत विज्ञापन की कार्यवाही करते हुए तिथि निर्धारित करके आपको बता दिया जाएगा। तो जब ये निरीक्षण पूरा हो जाएगा या परीक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद विज्ञापन में आपकी जानकारी दे दी जाएगी। वो कौन कौन से हैं, सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग में, उसके बाद राजकीय प्रवक्ता पॉलिटेक्निक प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और अपर निजी सचिव का लोक सेवा आयोग और सचिवालय प्रशासन में, उसके बाद औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 जो खाद्य सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत आता है, और विभाग का नाम यहाँ पर चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। पुलिस अधीक्षक, ठीक है, ये दूर संचार विभाग में जो है पुलिस उपाध्यक्षक यानी कि जो है ये पद भी इसमें रहने वाले हैं, तो इसकी भी डेट आ जाएगी जल्दी ही।
और प्राविधिक शिक्षा विभाग, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक और कर्मशाला अधीक्षक पॉलिटेक्निक और पुलिस आरक्षी पुरुष, ठीक है, ये पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षी पुरुष और प्रधानाचार्य श्रेणी टू, इनके जो है अभी इसमें परीक्षण चल रहा है, उसके बाद जल्दी इनको भी कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 नए अध्याचनों पर भी जो है कुछ बिंदु पर परीक्षा करने या फिर पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए, ठीक है, जो इसका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस अभी निर्धारित नहीं हो पाया, तो सिलेबस के लिए इसमें से कुछ नए पद हैं जिनका अभी परीक्षा की डेट नहीं दी है, ठीक है, परीक्षा या फिर कुछ के विज्ञापन आने भी बाकी हैं तो उनकी डेट नहीं दी गई है, तो जब ही उनका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो इनकी भी डेट बीच में ही जारी कर दी जाएगी। जैसे वन विभाग के अंतर्गत स्केरल की है, लैंगिंग अधिकारी है, वन क्षेत्राधिकारी है वन विभाग के अंतर्गत, प्राविधिक सहायक भू भौतिकी अग्निशमन अधिकारी टू पुलिस विभाग के अंतर, पुलिस उप निरीक्षक, देखिए पुलिस SI का जो सिलेबस कुछ दिन पहले आपने देखा था वायरल हुआ था, तो हो सकता है वही सिलेबस आ जाए, अभी उस पर परीक्षण चल रहा है, तो पुलिस का इसका भी जो है SI का परीक्षा का क्या होगा, जल्दी ही आपको अपडेट करा दिया जाएगा जैसे ही एक बार निर्धारित हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि सिलेबस क्या होगा। सहायक वास्तुविद है, व्यक्ति सहायक है जो विभिन्न विभाग के अंतर्गत है, और मशरूम सहायक अधिकारी गन्ना उद्यान निरीक्षक पद, ये और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पद हैं, ठीक है, और जिला परिवीक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यदेशक, सर्वेयर, ये फायरमैन अनुदेशक के अंतर्गत, ठीक है, और श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, तो ये देखेंगे आप, तो कुछ पद ये हैं जिनकी अभी जो है पाठ्यक्रम यहाँ पर निर्धारित नहीं हो पाया, जैसे ही पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है तो इनकी भी डेट आपको बता दी जाएगी, ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी मैंने आपको बता दिया है, और जिन जिन एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर जो है आयोग की तरफ से बता दिया गया है। तो दोस्तों अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, निर्धारित तिथि पर एग्ज़ाम हो जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है, और UK SSC के द्वारा भी जो एग्ज़ाम कराए जाने हैं उनकी भी डेट जो है निर्धारित होने वाली है, जल्दी आ जाएगी, परीक्षा कैलेंडर उनका भी जारी हो सकता है, ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे, कुछ भी नया अपडेट आता है तो इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, जय हिंद।